को यहाँ पर इंक्रीज कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ये हीट इंजन आपके पास आया। अब हम हीट इंजन से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस करने की बच्चे कोशिश करेंगे और देखते हैं बच्चा हमारे पास ये कैसे बनती है, हमारे पास चीजें देखते हैं हमारे पास क्या। सो हमारे पास यहाँ पर वेट करिए, ये हमारे पास है, दो मिनट यहाँ पर। सो अब हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर ये हमारे पास आ जाती है। देखते हैं बच्चे हमारे पास की ये प्रॉब्लम, इसको ओपन कर लेते हैं हम यहाँ पर, वेट करिए, तो इसको होना चाहिए, ओपन हो गया। मुझे जरूर बताइएगा बच्चे, क्योंकि हो सके तो वो आप जरूर देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि ओके सर मुझे लगा आपने पहले वाली क्लास की लिंक पे दिया है, मैंने तो अभी देखा है 4-5 का टाइम लिखा हुआ है आपने। हाँ तो फिर क्या हुआ? मुझे लगा आप भेज ही नहीं रहे, अभी मैंने देखा है ध्यान से। नहीं नहीं मैंने बिल्कुल बच्चे लिंक टाइम पे भेज दिया था, ताकि बच्चा जो है वो बिल्कुल अपने आप को तैयार रखे और चीजों को बेटर ढंग से बच्चे यहाँ पर मैनेज कर सके, तो तब करके। अच्छा ये देखिए बच्चे हमारे पास स्क्रीन नजर आ रही है बच्चे आपके पास यहाँ पर आपको। यस सर। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें बच्चे, तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन कौन कौन से साथ हमने डील करना आना चाहिए। हमारे पास यहाँ पर वो नाम तो कार्नोट इंजन का ले रहा है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हम यहाँ पर भी काम कर सकते हैं। व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन व्हिच इज वर्किंग बिटवीन द आइस पॉइंट, यानी कि 273 डिग्री केल्विन एंड द स्टीम पॉइंट, यानी 373 केल्विन। तो इसका मतलब जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है तो टेम्परेचर ऑफ सोर्स हमेशा ज्यादा होता है। The temperature of the source, क्योंकि steam point है, तो ये बच्चा हमारे पास 373 आ जाएगा। Temperature of the sink, ये हमारे पास ice point है, तो ये हमारे पास 273 Kelvin आ जाएगा। अब रह क्या गया कि हमारे पास इसकी efficiency किसके बराबर है, तो इसकी efficiency बच्चे 1 temperature of the sink 273 अपॉन 373, बड़ा आसान है, तो 26.8%, तो ये हमारे पास आ जाएगी 26.8% की हमारे पास यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो दिस विल बी 26.8% की हमारे पास यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 28, वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट इंजन्स एवर डेवलप्ड operated between 2100 Kelvin and 700 Kelvin. Its actual efficiency is 40%. Actual क्यों? क्योंकि friction भी हमारे पास आती है और भी कई effects हैं। तो जो actual निकल कर आती है वो 40% है। What is the percentage of the maximum possible efficiency of this? अब ये question को घुमा रहा है। हमारे पास क्वेश्चन को कैसे घुमा रहा है? ये बोल रहा है हमारे पास कि एक हीट इंजन काम कर रहा है 2100 और 700, तो इसकी एफिशिएंसी 1 आपके पास ऊपर 700 और नीचे आपके पास 2100। कहने का मतलब इसकी एफिशिएंसी 1 - 1/3, और अगर आप सॉल्व इसको करते हो तो आपके पास 2/3, 2/3 का मतलब 0. आपके पास 6 के आसपास है। यहाँ इसकी एफिशिएंसी परसेंटेज में कितने के बराबर है? 66% के आसपास है। अब वो बोल क्या रहा है? वो बोल रहा है कि इसकी एफिशिएंसी 66 नहीं, जो आप कैलकुलेट कर रहे हो, इसकी एफिशिएंसी एक्चुअल में 40% आ रही है। तो वो आपको थोड़ा मैथ्स में घुमा रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ दिस मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो आप बताओ कि 66% और 40% की रेशियो कितने के बराबर है? बड़ी सिंपल सी बात वो पूछ रहे। तो हमारे पास ये मैक्सिमम दैट इज पॉसिबल, लेकिन एफिशिएंसी जो एक्चुअल के अंदर आपके पास आती है वो 40% है। तो वो बोल रहा है 40% 66% का कितना परसेंट है? मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बन गया। तो फिर 40 / 66.6 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास कितना आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 60%। तो हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्लियर होगी बात? क्लियर होगी बात बच्चे? हमारे पास लग गया पता कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया हमने, आया ना बच्चे, लग गया पता? यस सर। अब हमारे पास यहाँ पर आपके पास यहाँ पर अब हमारे पास नया क्वेश्चन आ जाता है। एग्जाम्पल नंबर 29, इन अ हीट इंजन द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड द सिंक इज 500 केल्विन 375। द इंजन कंज्यूम 25 × 10⁵ J/cycle, ये एब्सॉर्ब किया गया।
नंबर वन एफिशिएंसी ऑफ इंजन और वर्क डन निकालना है, और थर्ड हीट रिजेक्टेड टू द सिंक पर साइकिल। अब देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 29। इन अ हीट इंजन द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज, द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज 500 केल्विन एंड द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज, द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज 375 केल्विन। ये हमारे पास आ गए। और यहां पर जो ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है पर साइकिल, हीट एब्जॉर्ब जो ये कर रहा है बच्चे, वो 25 × 10⁵ जूल पर साइकिल है। बताना क्या क्या है। नंबर वन एफिशिएंसी। अब बताओ कोई भी बच्चा एफिशिएंसी कैसे आएगी। 1 − temperature ऑफ द सिंक यानी 375 अपॉन टेम्परेचर ऑफ द सोर्स 500। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास यहां पर बच्चे आपके लिए इसका आंसर आ जाएगा 25 0.25 या फिर बच्चे हमारे पास 25%। यह हमारे पास आ गए। चलो जी काम खत्म। अब हमारे पास है वर्क डन पर साइकिल। अब वर्क डन बच्चे हम कैसे निकालेंगे पर साइकिल, और हीट रिजेक्टेड टू द सिंक पर साइकिल। दूसरी चीज, हमारे पास एफिशिएंसी किसके बराबर होती है, वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब। ये देख लो अब क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है बच्चे, बताओ कैसे सॉल्व हो रहा है, क्योंकि एफिशिएंसी फॉर्मूला वर्क अपॉन हीट एब्जॉर्ब भी है। एफिशिएंसी 0.25 की है, वर्क मुझे निकालना और हीट एब्जॉर्ब मुझे दे रखा है वो 25 × 10⁴ कितना दे रखा है आपके पास, 5 जूल दे रखा है। तो मेरे पास वर्क डन कितने के बराबर आएगा, 25 × 25 = 625, तो 6.25 × 10⁵ जूल का वर्क डन होगा। काम खत्म। तीसरी चीज बच्चे वो क्या पूछ रहा है इसके अंदर से, हीट रिजेक्टेड टू द सिंक। तो याद रखना हमारे पास हीट एब्जॉर्ब्ड माइनस हीट रिजेक्टेड इज इक्वल टू वर्क डन के बराबर होता है। तो हमारे पास यहां पर हीट एब्जॉर्ब्ड प्लस ऑफ, देखो इन दोनों का डिफरेंस वर्क डन है, तो हीट एब्जॉर्ब्ड प्लस बच्चा हमारे पास यहां पर वर्क डन इज इक्वल टू हीट रिजेक्टेड। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। वर्क डन 6.25 है और बच्चा हमारे पास है हीट एब्जॉर्ब्ड 25 है, तो हमारे पास हीट रिजेक्टेड का फॉर्मूला कितने के बराबर है, माइनस वर्क डन ही आएगा। एक मिनट को, हीट एब्जॉर्ब आपके पास यहां पर वर्क डन, आपके पास वर्क डन नहीं बच्चे बिल्कुल भी नहीं होगा, हीट रिजेक्टेड माइनस एब्जॉर्ब आएगा। सॉरी सर एक मिनट रुके, मैं थोड़ी सी गलती कर गया मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अंदर से, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में गलती कर गया, क्योंकि हमारे पास हीट एब्जॉर्ब माइनस हीट रिजेक्टेड आपके पास आ जाता है, तो हमारे पास मैथमेटिकली मैं थोड़ा मिस्टेक कर गया, तो हमारे पास यहाँ पर हीट रिजेक्टेड इज इक्वल टू आपके पास हीट एब्जॉर्ब्ड माइनस ऑफ यहाँ पर वर्क डन आ जाएगा, यही होगा बच्चे और तो कुछ होगा नहीं। तो हीट रिजेक्टेड इज इक्वल टू, तो 25 में से 6.25 बाहर निकाल दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 25 − 6.25 × 10⁵ जूल, ये क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 29 भी हो गया सॉल्व। मुश्किल है क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है यार, ऐसे क्वेश्चन हमको क्या स्कूल लेवल पे आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं स्कूल लेवल पे। अब ध्यान से समझते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30। अ कार्नोट इंजन टेक्स 3 × 10⁶ कैलोरी ऑफ हीट फ्रॉम द रिजर्वायर एट 627 डिग्री सेल्सियस एंड gives it to the sink at 27 degree Celsius. Find the work done by the engine. अरे यार कितना आसान क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन जैसे। बताओ फर्क सिर्फ इतना बच्चे, यहाँ पर के टीचर ने तुम्हें शायद से किसमें उलझा लिया हुआ है बच्चा, आपको यूनिट्स के अंदर उलझा लिया और कुछ नहीं किया, क्योंकि हमारे पास इसने हीट कितने के एब्जॉर्ब किया बच्चे, 3 × 10⁶, और 1 कैलोरी का मतलब 4.2 जूल होता है, और हमारे पास यहाँ पर 12.6 × 10⁶ जूल के बराबर है। ये पहली चीज आ गई जो हीट एब्जॉर्ब की गई है बच्चे हमारे पास। यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ द सोर्स अब ये कितने के बराबर है, 627 प्लस ऑफ 273, तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर 900 केल्विन आ गए।
लो जी 900 केल्विन आ गया। टेम्परेचर ऑफ सिंक किसके बराबर आ जाएगा जल्दी बता दो, ये मेरे पास 27 प्लस ऑफ 273 इज इक्वल टू 300 केल्विन। एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी 1 माइनस टेम्परेचर सिंक ऊपर 300 नीचे 900 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3, तो कितना आ जाएगा बच्चे हमारे पास 2/3। अब निकालना क्या है बच्चे हमको कि इसने वर्क डन कितना किया, तो एफिशिएंसी का एक और फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब। सो देयरफॉर 1/3 इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब। तो बताओ बच्चे हमारे पास यहाँ पर देयरफॉर वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर जो आपके पास वर्क डन है, अब इसने कुछ और तरीके से किया हुआ कोई बात नहीं, आप वैसे भी कर सकते हो, पर हीट हमने क्या निकालना है, फाइंड दी वर्क डन है ना, हाँ हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर वर्क डन आ जाएगा Q/3। तो हमारे पास यहाँ पर देयरफॉर मैं ऊपर लिख रहा हूँ वर्क डन इज इक्वल टू Q/3। तो Q आपके पास कितने के बराबर है, तो Q हमारे पास है यहाँ पर 12.6 इंटू 10^3। तो ये बच्चे हमारे पास 12.6 इंटू 10^6 अपॉन बच्चा हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगा, दिस विल बी 3। तो यहाँ पर बच्चा हमारे पास इसका वर्क डन ये कुछ और कर रहा है 8.4, हमारे पास कुछ और आ रहा है, आपके पास इसने 10^6 है। फाइंड द वर्क डन बाय द इंजन, फाइंड द वर्क डन टेक्स फ्रॉम द रिजर्वायर, नहीं यार ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, आपके पास इसकी कैलकुलेशन चेक करके देखो भाई, 3 × 1 तो 2 आपके पास आ गई, ये कुछ और कर रहा है, देखो कहीं पर कोई गलती तो नहीं कर दी, 2/3 है ना यहाँ पर 2/3, मैं तभी बोला कि कुछ गलती हुई है, यहाँ पर 1/3 नहीं है 2/3 है, यहाँ पर बच्चे मल्टीप्लाइड बाई आपके पास 2 भी है, तो हमारे पास अब सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पर ये क्या चीज आ गई बच्चे, ये हमारे पास आएगा 4.3 × 2, तो 4.3 × 2 × 10^6 और ये बच्चा हमारे पास कितना आएगा 8.6 × 10^6। तो ठीक है बच्चे 8 point, ये भी 2 ही है बच्चे हमारे पास, तो 8 point आपके पास 4 × 10^6 दूर, बिल्कुल सही आंसर है, पर इससे मैंने डिफरेंट तरीका लिया, ये बात ध्यान रखना, मैंने इससे डिफरेंट तरीका लिया, फॉर्मूला आपके पास यही यूज हो। चलो अब चलते हम आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 31, द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट साइकिल इज 1/6। If on reducing the temperature of sink by 65 degree Celsius, the efficiency becomes 1/3. जो efficiency होती है बच्चे वो 1/3 से बच्चे आपके पास चेंज हो जाती है। Find the initial and the final temperature between the which this cycle is working. तो काके कुछ नहीं है, आपको temperature of the sink भी निकालना है, टेम्परेचर ऑफ सोर्स भी निकालना, तो मेरे पास यहां पर बनेगी दो इक्वेशंस। देखो दो इक्वेशन कौन कौन सी, पहली इक्वेशन ध्यान से देखना, मेरे पास यहां पर पहली इक्वेशन कौन सी बनेगी, जिसके अंदर मेरे पास एफिशिएंसी आपके पास कितने के बराबर है 1/6, यहां पर 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ द सिंक डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ द सोर्स is equal to 1/6, तो temperature of the sink upon temperature of the source, अब यहां पर इसमें से 1 − 1/6, तो बताओ कितना आ जाएगा 5/6 आ गया, ये मेरे पास पहली चीज आ गई। दूसरा, दूसरे के अंदर वो बोल रहा है कि मैं सिंक का टेम्परेचर 65 डिग्री सेल्सियस से कम कर रहा हूं, तो एफिशिएंसी 1/3 हो रही है, तो हमारे पास eta 2 इज इक्वल टू 1/3 एंड 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ द सिंक −65 नीचे टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज इक्वल टू 1/3, तो मेरे पास 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ द सिंक −65 अपॉन टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, और ये बच्चे 1 यहां पर अगर चला जाएगा यहां पर तो 2/3 आ जाएगी, तो जरा फटाफट देख लेते हैं अब हमारे पास क्या आ जाएगी, तो मेरे पास यहां पर टेम्परेचर ऑफ द सिंक −65 अपॉन टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज इक्वल टू, तो मेरे पास यहां पर ये आपके लिए कितनी आ जाएगी 2/3,
अब हमारे पास यहाँ पर क्या रिलेशन आ गया, बस रिलेशन को बच्चा आपस में घुमाना हमने, कि मेरे पास टेम्परेचर ऑफ दिस सिंक -65 इज इक्वल टू 2/3 ऑफ टेम्परेचर ऑफ दिस सोर्स। अब टेम्परेचर ऑफ सिंक को सोर्स की टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, 5/6 ऑफ टेम्परेचर ऑफ सोर्स, तो 5/6 ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स -65 2/3 ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स। चीजों को रीअरेंज कर लेते हैं, 5/6 ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स -2/3 ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज इक्वल टू 65। यहां पर 15 -12, तो अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं तो 15 -12 3/18, तो 1/6, तो ये बचे 3/18 टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज इक्वल टू 65। ये कैंसिल होके 6 आ जाएगा, तो टेम्परेचर ऑफ सोर्स कितने के बराबर आ जाएगा, तो ये मेरे पास इसको कैलकुलेट करेंगे 0 और 3, तो बच्चे हमारे पास 36 और 36 और 3 कितना आ जाएगा बच्चे, दिस विल बी 390 केल्विन। तो लो जी, टेम्परेचर आपके पास 390 केल्विन किसका आ गया, सोर्स का, जिसको इसने चेंज करके 117 डिग्री सेल्सियस लिख दिया, और दूसरा बच्चा हमारे पास वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके 325 आ जाएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लग गया क्वेश्चन पता ये वाले बच्चे आपको, लग गया पता बच्चे ये वाले क्वेश्चन आपको, यस और नो, क्लियर है ये वाली चीजें बच्चे आपको, यस सर। अब हमारे पास यहाँ पर ये एक पोर्शन हमारे पास इसका होता है खत्म, अब हम चलते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट, तो ये हमारे पास एक पोर्शन खत्म हुआ, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ओके, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चे भी। सो अब हम यहाँ पर कार्नोट इंजन के बच्चे, कि कार्नोट इंजन के सर टाइम लगेगा, करिए अपने आप आ जाता है बच्चा, पीडीएफ फाइल खोलने में थोड़ा सा दिक्कत मुश्किल नहीं होगी, हो जाएगी आपके पास, यहाँ पे देखते हैं अभी हम, तो प्रॉब्लम एक बार ये हैंडल कर लेंगे फिर हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर हम एग्जाम के अंदर भी कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पर बच्चा अब हमारे पास क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, अ कार्नोट इंजन, हमारे पास जो कार्नोट इंजन है बच्चे हमारे पास, वो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी आप खुद देखिएगा, कि मैं यहाँ पर आपको इसको हिंट भी दे सकता हूँ, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी 30% है व्हेन दिस सिंक इज एट 17 डिग्री सेल्सियस, बट देन बाय हाउ मच द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स बी इंक्रीज्ड टू हैव द एफिशिएंसी इज इक्वल टू 50% कीपिंग द सिंक टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। अब क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ सॉल्व कैसे करना, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा, बताओ कैसे सॉल्व हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ सिंक किसके बराबर है जरा बता दो, तो 17 + 273, तो मेरे पास 0 और 1 तो 9, तो आपके पास कितना आ जाएगा 290 केल्विन, ये मेरे पास आ गया। टेम्परेचर ऑफ सोर्स तो मुझे पता नहीं बच्चे हमारे पास, तो मुझे पता ही नहीं बच्चे हमारे पास कितने के बराबर है, तो मैं उसको मान लेता हूँ चलो जी ये एक्स केल्विन के बराबर, एफिशिएंसी 30% की है, तो पहला केस हमारे पास क्या है कि मेरे पास 30% की एफिशिएंसी है, तो 1 - टेम्परेचर ऑफ द सिंक 290 डिवाइडेड बाई एक्स और मल्टीप्लाइड बाई 100, ये बच्चे हमारे पास एफिशिएंसी है। और दूसरे केस में वो क्या बोल रहा है कि एफिशिएंसी 50% हो जानी चाहिए, तो 50 = 1 - 290, और एक्स प्लस ऑफ अननोन चीज है, मुझे अननोन चीज है, मुझे ये एक्स नॉट बताना है कितने से हम बढ़ा दें ताकि इसकी एफिशिएंसी 50% हो जाए। तो बताओ पहली इक्वेशन से मैं क्या निकालूंगा, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, मैं अगर पहली इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज 3/10 इज इक्वल टू 1 - 290 डिवाइडेड बाई एक्स, और 290 / x इज इक्वल टू 1 - 3/10, 290 / x इज इक्वल टू 7/10, और x इज इक्वल टू 2900/7, ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। अब हमारे पास ये कैंसल, तो ये हाफ आ जाएगा, तो हाफ इज इक्वल टू 1 - 290 डिवाइडेड बाय, मेरे पास x की वैल्यू 2900/7 + x0। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 290 / 2900 + 7x0 × 7 ऊपर चला जाएगा इज इक्वल टू 1, हमारे पास यहां पर चला गया हाफ इज इक्वल टू हाफ,
और वी कैन राइट डाउन, या फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, वी हैव 290 मल्टीप्लाइड बाई 7 और मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2900 प्लस ऑफ 7x नॉट। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आपके पास आ जाएगा 14, तो 29 into 14। देखो भाई किसी बच्चे को क्लियर है 290 into 14 कितने के बराबर आ जाएगा, सो 29 14 तो 36 और 3 तो बच्चा 8 3 11 तो 116 और बच्चा हमारे पास 29 तो 6 10 1 बच्चे आपके पास 406, तो हमारे पास यहाँ पर 406 तो 46060 माइनस ऑफ 2900 इज इक्वल टू 7x नॉट। अब बच्चा हमारे पास 4060 माइनस ऑफ 2900 तो 0 6 10 में से बच्चे एक चला गया आपके पास और 3 तो 1 1100, तो हमारे पास देयरफॉर एक्स नॉट की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी 1100/7। तो इतने से बच्चे हम इसके टेम्परेचर को चेंज कर देंगे। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होते, तभी बच्चे मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन करवा रहा हूँ और ये क्वेश्चन घर जाकर दोबारा फिर एक बारी सॉल्व करने तो जाकर आपको क्लैरिटी होगी। नेक्स्ट वन, इफ द डोर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज केप्ट ओपन इन अ रूम विल इट मेक्स अ रूम वार्म और कूल, तो ये बच्चे वार्म बन जाएगा। इसको हम ढूंढेंगे, इसके एग्जांपल को हमको ढूंढेंगे, लेकिन अगर रेफ्रिजरेटर किसी कमरे में आपके पास खुला रह जाता है तो उससे बच्चा हमारे पास कमरा गर्म होता है, ठंडा नहीं होता। What do you mean by irreversible process? जैसे rusting, जैसे बच्चे किसी चीज का रस्ट लग जाना, जब बच्चा हमारे पास किसी चीज पे रस्ट लग जाता है वो irreversible है, यानी कि आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, तो irreversible process, ये केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाता है कि irreversible process जिसको आप किसी भी तरीके से इनिशियल स्टेट की तरफ को नहीं लेके जा सकते। What is the efficiency of the Carnot engine working between 127 degree Celsius and 27 degree Celsius? अब कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को बोलता है कि सर अब मुझसे नहीं ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो 1 माइनस ऑफ 27 प्लस ऑफ 273 तो 300 केल्विन आ गए, तो ये बच्चा ऊपर आ गया 300 केल्विन और नीचे बच्चा हमारे पास 127 प्लस ऑफ 273 तो ये हमारे पास कितना आएगा 400, तो आपके पास आ गया 400 2 0 तो 1 माइनस ऑफ 3/4 और दी आंसर इज 1/4 या फिर आंसर इज 25%, या फिर बच्चा हमारे पास क्या आ गया, आपके पास आंसर क्या आ गया, आपके लिए आंसर आ जाएगा 25%। अब ये वाला क्वेश्चन बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको मैं अब अलग सेक्शन में बच्चे आपको करके बताऊंगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम अलग सेक्शन में चलते हैं जहां पर बच्चे ये क्वेश्चन मैं आपको दोबारा से करके बताता हूँ, ये क्वेश्चन अब मैं व्हाइट बोर्ड के अंदर आपको करवाता हूँ। ओके, क्या है ये क्वेश्चन, या देखते हैं बच्चे हम हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि किसी थर्मोडायनेमिकल इंजन का पीवी डायग्राम कुछ इस तरीके से, ये मेरे पास किसी थर्मोडायनेमिकल इंजन का पीवी डायग्राम कुछ इस तरीके से, फोकस करना बच्चे, ये हमारे पास यहां पर पीवी डायग्राम और इस पीवी डायग्राम के अंदर हमारे पास ये थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस इनिशिएट हो चुका और ये हमारे पास कहां से कहां पर जा रहे हैं, आपके पास आप जा रहे हो ए से आपके पास बी की तरफ, बी से सी और सी से बच्चे डी और डी से ए की तरफ, ये हमारे पास यहां पर थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस आपके पास इनिशिएट हो। टीचर आपको यहां पर बोलता है कि व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ दिस इंजन, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ दिस इंजन, आपको ये बताना है कि इस इंजन की एफिशिएंसी क्या है और वो भी तब जब मेरे पास n मोल के बच्चे आपके पास मोनो एटॉमिक गैस है और अगर मेरे पास ये डायटॉमिक होगी तो क्या केस यही रहेगा, केस तो ये रहेगा पर आंसर चेंज हो जाएगा, वो कैसे चेंज होगा वो हमको यहाँ पर देखना। अब आ गया बच्चे आज का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगर कभी भी टीचर आज के बाद आपको कोई पीवी डायग्राम देता है, रेक्टेंगल ट्रायंगल या बच्चे कैसा भी आपको देता है, सर्कल सर्कल क्लोज, तो सबसे पहले बच्चे यू विल ड्रॉ द आइसोथर्म, पहला कॉन्सेप्ट है ड्रॉ द आइसोथर्म्स।
आप इसके लिए आइसोथर्म्स को ड्रॉ करोगे, पर कैसे ड्रॉ हो जाएंगे मैं बताता हूं। ये बच्चा हमारे पास पहला आइसोथर्म ड्रॉ हो गया, ये हमारे पास यहां पर दूसरा आइसोथर्म ड्रॉ हो गया, और ये बच्चा हमारे पास तीसरा आइसोथर्म ड्रॉ हो गया। क्या पता लगा इससे? इससे भी एक क्वेश्चन बना, इससे क्या क्वेश्चन बना बताओ, कहां का टेम्परेचर सबसे बड़ा है, कहां का टेम्परेचर सबसे छोटा है, और कहां पे टेम्परेचर बच्चे आपस में सेम है बताओ। टेम्परेचर ऑफ सी इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ डी विच इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी, वाई? ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों बच्चे एक ही आइसोथर्म पे। आज के बाद आप केमिस्ट्री या फिजिक्स के क्वेश्चंस को करने के लिए आइसोथर्म्स को ड्रॉ करो, और फिर बच्चे दिस इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ ए। तो सर अब हम क्वेश्चन कैसे करेंगे? अभी देखो कहानी बची हुई है, यहां पर मेरे पास वॉल्यूम है वी नॉट, और यहां पर बच्चे वॉल्यूम है टू वी नॉट। देखते चलो, यहां पर बच्चा हमारे पास आपके लिए यहां पर है प्रेशर पी नॉट और यहां पर है प्रेशर टू पी नॉट। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो बच्चे हमारे पास है आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोलती है जरा बताओ, आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलती है? आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलती है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, यस और नो? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इस लॉजिक से बच्चा अगर यहां पे टेम्परेचर टी नॉट के बराबर है, टी नॉट वी नॉट, तो यहां पे टेम्परेचर किसके बराबर हो जाएगा? टू टी नॉट के बराबर। पता लग रहा है कैसे? पता लग रहा है कैसे किसी बच्चे को? अगर आप ए पॉइंट के ऊपर देखें तो आपके पास पी नॉट वी नॉट इज इक्वल टू एन आर टी नॉट। तो इसी लॉजिक से बी और डी पे देखो क्या हो रहा है बच्चे, आपके पास पी नॉट है और बच्चे V नॉट भी है, लेकिन एक टू का फैक्टर भी आपके पास एक्स्ट्रा आ रहा है। दिखाई दे रहा बच्चे आपको ये वाला? देखो, टू V नॉट P नॉट मल्टीप्लाई कर दो तो टू P नॉट V नॉट, यहां पर टू P नॉट और ये V नॉट, तो ये भी आ गया। तो बताओ यहाँ का टेम्परेचर पिछले के मुकाबले आपके पास क्या हो जाएगा? शाबाश बोलो। अगर ये एन आर इंटू टी डैश, तो अगर आप पिछले से कंपेयर करोगे तो टी डैश किसके बराबर हो जाएगा बोलो? शाबाश, टू टी नॉट के बराबर। तभी तो बच्चे ये एक आइसोथर्म एक ही लाइन पे लाई कर रहे, इन दोनों जगहों का टेम्परेचर सेम है। कोई इसी लॉजिक से बच्चा बता सकता है कि सी का टेम्परेचर क्या होगा? शाबाश। अब ध्यान से समझना, एफिशिएंसी आपके पास क्या होती है? तो एफिशिएंसी, तो वर्क डन आपके पास, एफिशिएंसी बच्चे मेरे पास क्या होती है कि भैया वर्क डन कितना हुआ, और दूसरा बच्चा हमारे पास हीट एब्जॉर्ब कितनी हुई, हाँ या ना? यही तो वर्क डन है, यस और नो? यस और नो? आपका वर्क डन क्या होता है? यही तो है कि आपके पास अगर पीवी डायग्राम गिवन हो तो यहां पर कोई बच्चा बता सकता है वर्क डन किसके बराबर है? शाबाश बोलो। हियर वर्क डन इज माइनस पी नॉट वी नॉट। क्या बच्चे? हियर द वर्क डन इज इक्वल टू, बोलो शाबाश बोलो बच्चे, माइनस पी नॉट वी नॉट। अब हम नेगेटिव साइन को थोड़ा सा बच्चे इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं बच्चे, क्योंकि वो मैटर नहीं कर पाएगी। तो वर्क डन इज इक्वल टू बच्चे, नेगेटिव साइन इग्नोर कर रहा हूं मैं क्रमन, तो ये वी नॉट आ गया। चलो जी, ये काम हो गया खत्म, एक पोर्शन तो मेरे पास आ गया, लेकिन अब प्रॉब्लम बची हुई है हीट कैसे एब्जॉर्ब हो रही। यहां पर हीट दो जगहों पर एब्जॉर्ब हो रही, बताओ कैसे कैसे एब्जॉर्ब हुई? आपके पास यहां पर हीट कहां कहां पर एब्जॉर्ब हो रही है? जब आप ए से कहां की तरफ को जा रहे हो? बी की तरफ। और बी से कहां की तरफ को जा रहे हो? शाबाश बताओ, सी की तरफ। यस और नो? क्लियर है वाली चीज? जब आप ए से बी जा रहे हो तो आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब हुई। अगर आप बी से सी की तरफ को जा रहे हो तो भी बच्चा हमारे पास हीट तो एब्जॉर्ब हुई ना बच्चे। क्यों एब्जॉर्ब हुई बच्चा हमारे पास? क्योंकि यहां पर आप बच्चे आपका टेम्परेचर रेज हो रहा हुई। यस और नो? यस और नो? यस और नो? पहले बताओ बच्चे मेरे पास, क्लियर है ये वाली चीज? क्लियर है ये वाली चीज? आप ए से बी जा रहे हो, आपका टेम्परेचर टी नॉट से टू टी नॉट हुआ, आपने हीट को एब्जॉर्ब किया। आप टी नॉट से फोर टी नॉट की तरफ को जा रहे हो बच्चे, आप हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हो। हीट तो यहीं पर एब्जॉर्ब हुई ना, उसके बाद तो हीट आपने क्या कर दी? वापस देनी शुरू कर दी, क्योंकि सिस्टम का टेम्परेचर डाउन हो रहा है। लगी बात ये वाली पता कि नहीं लगी बात पता बच्चे ये वाली? यस और नो? यस। अब
हम यहां पर जब ए से बी की तरफ को जा रहे हैं तो जो हीट आपके पास एब्जॉर्ब हो रही है वो मेरे पास Q1 के बराबर है। और बताओ बच्चा, अगर ये Q1 के बराबर है, मेरे पास जो हीट एब्जॉर्ब है ये n मोल्स की गैस है, और बच्चे यहां पर कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर बच्चे हीट एब्जॉर्ब की जा रही है इनटू चेंज इन टेम्परेचर T0। पता लगा? जब आप A से B जा रहे हो आपका वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है, लेकिन बच्चे क्या आपके पास आपका प्रेशर चेंज हो रहा है? नहीं। तो अब जो भी हीट एब्जॉर्ब किया आपने वो किस पे एब्जॉर्ब किया आपने? कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। अब कांस्टेंट प्रेशर बच्चा आपके पास कैसे आता है? पॉइंट है बच्चे। अब ये पॉइंट कब कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ, एनसीपी। अब ध्यान से समझना, जो आपके पास सीपी होता है वो होता है सीवी प्लस ऑफ आपके पास आर। CV बच्चा हमारे पास किसके बराबर होता है? FR by 2 plus of R। Degree of freedom, R बाहर निकाल दो तो F plus of 2 upon 2। ये बच्चा हमारे पास क्या हो जाती है? CP की वैल्यू हो जाती है। ये हमारे पास CP की वैल्यू है, N मोल्स की बच्चा हमारे पास यहां पर है, और गैस का टाइप क्या है बच्चे हमारे पास? मोनो एटॉमिक है, तो F की जगह 3, तो 3 plus 2 कितना आ जाएगा? 5 upon 2। और बच्चा हमारे पास यहां पर आर भी आ जाएगा और डेल्टा टी। बताओ टेम्परेचर कितना चेंज हुआ? टेम्परेचर आपके पास कितना चेंज हुआ? तो हमारा टेम्परेचर 2T0 और T0, तो कितना चेंज हो गया बच्चे हमारे पास? टेम्परेचर T0 से चेंज हो गया, तो मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर T0 से चेंज हुआ। इसके बाद हमारा सिस्टम बी से सी टेम्परेचर चेंज कर रहा, मैंने फिर सिस्टम में से हीट को एब्जॉर्ब किया, नंबर ऑफ मोल्स एन। और बच्चे अब बताओ मैं स्पेसिफिक हीट कौन सी यूज करूंगा? बच्चे जल्दी बोलो, सीवी। और बच्चा हमारे पास यहां पर डेल्टा टी इज इक्वल टू, अब मेरे पास एन सीवी। अब बताओ कि सीवी क्यों? अब बच्चा बोलता है सर सीवी क्यों, क्यों सीवी है? जरा सोच के बताओ, यहां पर जब मैं बी से जी जा रहा हूं तो क्या मेरा वॉल्यूम चेंज हो रहा है? नहीं। तो इसका मतलब जो भी मैंने हीट ली वो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे ली, इस वजह से एन सी वी इंटू डेल्टा टी। और सी वी किसके बराबर है? एफ आर बाई टू, एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 3R/2। अब कोई बच्चा बता दे कि टेम्परेचर डिफरेंस कितने के बराबर है? तो हम टी नॉट से कहां की तरफ को जा रहे हैं? 4T0 की तरफ। तो हम टी नॉट से कहां की तरफ को जा रहे हैं? 4T0 की तरफ। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितने के बराबर है? 4T0 माइनस ऑफ 2T0। तो जल्दी से कोई बच्चा बता दे कि हमारे पास कितना आ गया? तो n 3R मल्टीप्लाइड बाई 2T0 अपॉन 2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 3NR इंटू T0। तो अब बताओ कि मैंने टोटल कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की सिस्टम में? तो 5/2RN इंटू T0 प्लस ऑफ 3NR इंटू T0। जल्दी से बता दो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? आपके पास ये हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 5 कितना होता है? 11। तो 11NR इंटू T0 डिवाइडेड बाई 2। और अब आएगी एफिशिएंसी, अब आएगी काके एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बच्चा हमारे पास यहां पर क्या है? एफिशिएंसी ऑफ वर्क डन, और वर्क डन तो हम निकाल चुके थे कि P0 V0 है, और हमने हीट कितनी अब्सॉर्ब की? 11NR इंटू T0 डिवाइडेड बाई 2। ले सर जी, सर तो ये कैंसिल ही नहीं हो पा रहा, घबराओ मत, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलती है? P0 V0 इज इक्वल टू NR इनटू T0। अगर हम यहां पर इसकी वैल्यू डाल देंगे तो ऊपर 2 नीचे 11, P0 V0 किसके बराबर आ जाएगा? NR T0 नीचे NR इनटू T0, ये कैंसिल। तो बताओ इसकी एफिशिएंसी 2/11 के आसपास है, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। जी बोलो बच्चे करमन जी। सर मैंने क्वेश्चन में कहा था कि ए और सी के बीच में निकालनी है एफिशिएंसी। नहीं देखिए, ये हमको खुद आइडिया लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर बच्चा आपको खुद ये सोचना पड़ेगा कि आपका सिस्टम दो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स के बीच में हीट इंजन काम करते हैं, ट्रू या फॉल्स? ट्रू सर। बिल्कुल, तो आपको एक्सट्रीम टेम्परेचर अपने आप दिख जाएंगे, एक 4T0 है और दूसरा बच्चा हमारे पास T0 है, तो एक्सट्रीम टेम्परेचर हमको दिख गए तो हमने फिर इस क्वेश्चन को ऐसे करके निकाला। ठीक है, अब आपका दो मिनट जो हमारे पास यहाँ पर डायटोमिक का केस है वो तुमने करना है। जी नमन बोलो बेटा।
सर वो वर्क डन पी नॉट वी नॉट कैसे है बताना। ऐसे है क्योंकि बच्चा हमारे पास किसी भी थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस में जो एरिया ऑफ द ग्राफ होता है साइक्लिक प्रोसेस का, वो मुझे वर्क डन देता है। तो एरिया ऑफ ग्राफ निकाल ले रेक्टेंगल का, ये पी नॉट है, ये वी नॉट है। ओके सर। चल हाँ करमनजीत पूछ। हो गया सर मेरा, ठीक है हो गया क्लियर। यहाँ पे टू पी नॉट वी नॉट कैसे आया बी के लिए, बी एंड डी के लिए? कहाँ पर कहाँ पर सर? राइट साइड के कॉलम, ये वाला बी और डी के लिए। यस सर। अब सोच के देखना तू बी पॉइंट पर पहुंच, यहाँ पर तेरे पास वॉल्यूम कितना दे रखा है टीचर ने, 2V0। और प्रेशर कितना है बी के हिसाब के ऊपर बच्चे, पी नॉट। मल्टीप्लाई कर दे, क्यों मल्टीप्लाई करना है, ताकि मैं इसके टेम्परेचर को ए के साथ कंपेयर कर सकूं। तो 2P0V0 मल्टीप्लाई कर सकता है, यस सर। और वो बच्चे एनआरटी डैश के बराबर हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो जाएगा ऊपर, यस सर। के साथ कंपेयर करेगा तो टी डैश किसके बराबर आ जाएगा, 2T0। बस लगी बात पता, यस सर। अब हमारे पास यहाँ पर ये जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि स्कूल लेवल पे आएगा, नहीं स्कूल लेवल पे नहीं आएगा, और इसके आपको बहुत वेरिएशन मिल जाएंगे, डायटॉमिक के साथ, ट्रायटॉमिक के साथ, ट्रायंगल बना देगा टीचर, लेकिन आपने बच्चे टिके उसी पे रहना जो तरीका मैंने बताया, आइसोथर्म बनाकर क्वेश्चन करना। जी करमन जी। सर वर्क डन हम मतलब पूरे प्रोसेस का ले रहे हैं, और जब हम टेम्परेचर देख रहे हैं फिर डिफरेंस हम उसका ले रहे हैं ए और सी का, ये बात ही ऐसा थोड़ी ना होता बच्चे, वर्क डन तो आपको टोटल ही मिलेगा ना बच्चे, क्योंकि आप यहाँ पर बच्चे वहां पर क्वेश्चन आपने देखो, आप हीट एब्जॉर्ब करने के बाद भी तो वर्क डन कर सकते हो ना, आप खुद आप बताओ कि आप इलॉजिकल बात कर रहे हो, आप पहले हीट कहीं पे एब्जॉर्ब कर रहे हो और उसके बाद ही तो वर्क डन करोगे ना, वो आपको क्या बोल रहा है कि इसकी एफिशिएंसी क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई सिस्टम के अंदर वर्क डन मुझे इतना नजर आ रहा है और सिस्टम में हीट कहां से कहां तक एब्जॉर्ब हो रही है, तो वो ए से लेके सी के बीच में ही हो रही है ना, हाँ या ना, सोच के तो देख इसके अंदर से। हमारी जो हीट है वो तो टी नॉट से, आपके पास 4T0 है क्योंकि उसके बाद सिस्टम नीचे गिरना आने लग जाता है, सिस्टम हीट को रिलीज करने लग जाता है, नहीं आई बात समझ में? हीट रिलीज क्यों हो रही है, ये नहीं समझ आ रहा। अच्छा ठीक है, अब मुझे एक बात बताए, हीट इंजन के तीन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, हीट इंजन के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन कौन से होते हैं बच्चे हमारे पास? सर एक होता है सोर्स, फिर वर्किंग सब्सटेंस, फिर सिंक। अच्छा तो बता सिंक का क्या काम होता है बच्चे हमारे पास? सिंक तो हीट रिलीज करेगा सर। हीट रिलीज करेगा कि हीट बच्चे रिजेक्टेड हीट को पकड़ेगा? सर रिजेक्ट ही करेगा, रिजेक्टेड हीट को पकड़ेगा। सॉरी बस फिर ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर आता हो गया बच्चे, कि अगर मेरे पास कोई थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस चला, पहले उसने हीट को कंज्यूम किया एट कांस्टेंट प्रेशर, देन कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, और यहाँ पर बच्चे साथ साथ वर्क डन भी किया इससे थोड़ा सा, उसके बाद बच्चे ये हीट को एनवायरनमेंट को रिलीज करता रहा और फिर बच्चे ये दोबारा से नॉर्मल स्टेट पे आ गया जहां से वो चला था। मेरी बात को अंडरस्टैंड किया आपने, मेरी बात को समझ पा रहे हो आपके नहीं समझ पा रहे? नहीं सर एक मिनट पता लगेगा। हां बेटा नहीं पता लगा सर, एक बार बता दो बेटा। हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले समझो, हमारे पास एक काफी आइडियल सिस्टम होती है, हमारे पास आइडियल सिस्टम के अंदर यहाँ पर मेरे पास एक इंसुलेटेड पैड होता है, ये बच्चे आपके पास एक इंसुलेटेड पैड होता है, और यहाँ पर मेरे पास जो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम होता है उसका जो बेस होता है वो कंडक्टिंग होता है, उसका बेस कंडक्टिंग होता है और उसकी जो वॉल्स होती है वो इंसुलेटेड आपके पास हो जाती है। यहाँ पर मेरे पास एक सोर्स होता है जिसका टेम्परेचर काफी ज्यादा हो, यहाँ पर बच्चा हमारे पास एक सिंक रहती है जिसका टेम्परेचर काफी कम रहता है बच्चा हमारे पास। सबसे पहले आप क्या करते हो, इस सिस्टम को आप इसके ऊपर प्लेस कर देते, यानी कि सोर्स के ऊपर इसको प्लेस कर देते, और इसका बेस क्या होता है बच्चे आपके पास, कंडक्टिंग होता है, इसका बेस आपके पास क्या होता है, कंडक्टिंग होता है। जैसे आप इसको सोर्स में रखोगे व्हाट विल हैपन, सोर्स की हीट कहाँ पर एंटर करेगी बताओ, शाबाश, सोर्स की हीट कहाँ पर एंटर करेगी आपके पास, कंडक्टिंग बेस के थ्रू इसमें जाएगी, तो ये पिस्टन क्या करने की कोशिश करेगा, एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा, आया ना? यस। और एक्सपेंड करके बच्चे या हमारे पास क्या करेगा, वॉल्यूम को बढ़ाएगा, क्लियर होगी बात?
क्लियर होगी बात? यस यस बेटा, ये हमारे पास हीट को कंज्यूम करेगा तभी तो आगे चलेगा ना काके। वो आपको टीचर ए का हाइपोथेटिकल प्रोसेस दे रहा है जिसमें वो ये बोल रहा है कि ये पी और वी डायग्राम है। सिस्टम आपका ए से चला, ये बी तक पहुंचा, बी से सी पे गया, सी से बच्चा आपके पास डी पे, डी से ए पे आ गया। तो टीचर आपको ये बोल रहा है कि काके आप बताओ कि यहाँ से इस हीट इंजन, हाइपोथेटिकल हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी। तो पहले तो आप ये जज करोगे कि क्या इस थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर डिफरेंस भी है या नहीं। तो आइडियल गैस इक्वेशन से पता लग जाता है, यस यहाँ पे टेम्परेचर टी नॉट है, यहाँ पर टू टी नॉट है, इसके बाद फोर टी नॉट आ जाता है, फिर टी टू टी नॉट आ जाता है, टी नॉट आ जाता है। अगर कोई पर्सन बोलता है कि हीट कहाँ, तेरे को कैसे पता लगेगा एक सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया, मुझे बात बता, तेरे को कैसे पता लगेगा? टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर तेरा कहाँ से कहाँ तक बढ़ रहा है बता बच्चे मुझे। टी नॉट से फोर टी नॉट बेटा, बिल्कुल। और उसके बाद बच्चे हीट ये जो सिंक है उसको रिजेक्ट होने लग जाएगी ना बच्चे हमारे पास। लेकिन बच्चे वो रिजेक्ट होते होते भी तो बच्चे वो कंप्रेस करेगा। अब गैस चाहे एक्सटेंड करे चाहे कंप्रेस करे, वर्क डन तो होता ही होता है ना बच्चे। यस ठीक है सर, लग गया बता, ये बात समझ रहा है। यहाँ वर्क डन होगा, ऊपर वाला भी वर्क डन होगा, तो वर्क डन तो बच्चे तब भी होगा जब गैस कंप्रेस हो जाएगी। इस वजह से यहाँ पर बच्चे ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्लियर है बच्चे वाली चीज? यस सर, अब क्लियर है सर। अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये हीट इंजन का आपके पास एक और केस आ जाता है। अब ध्यान से देखते हैं, हमारे पास कोई और क्वेश्चन है तो उसको भी बच्चे हम यहाँ पर फोकस करके देखते हैं। बच्चे देखते हैं हमारे पास कोई और क्वेश्चन है, पहले इसको करते हैं बंद और यहाँ पर बच्चे हमारे पास नेक्स्ट देखते हैं। बच्चे दो मिनट रुकेगा, इसके टाइम लगेगा इसके अंदर। क्वेश्चन कर पाओगे, बहुत अच्छे से कर पाओगे क्वेश्चंस, ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस है बच्चे हमारे पास। ओके नाउ यू आर गेटिंग। ठीक है, दिखाई दे रही है स्क्रीन बच्चे आपको? यस सर। अच्छा, अब ध्यान से देखो बच्चे, ये एक क्वेश्चन हमारे पास, अब मैंने उठाया दिशा की बुक से बच्चे। ठीक है, यहाँ पर दिशा की बुक से अब ये क्वेश्चन है। अब देखो बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, जरा देखो। द वन के मोल ऑफ द मोनोटॉमिक गैस इज टेकन फ्रॉम द पॉइंट ए टू द अनदर पॉइंट बी अलोंग द पाथ ए सी बी। यानी कि मैं इसको ए से लेके सी गया, सी से बी और बी से बच्चे आपके पास ए की तरफ आ गए। इफ द इनिशियल टेम्परेचर एट द ए इज टी नॉट, ये देखो बच्चे आपके पास टी नॉट के बराबर है। अब दिमाग लगाते चलो कि अगर पी नॉट वी नॉट यहाँ पर टी नॉट के बराबर है तो सी पे कोई बच्चा फटाफट बता सकता है टेम्परेचर क्या हो जाएगा? तो पी नॉट इंटू टू वी नॉट, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा? टू टी नॉट। और यहाँ पर कोई बच्चा बता सकता है कितना हो जाएगा बच्चे हमारे पास? फोर टी नॉट। क्लियर होगी बात? हाँ या ना बच्चे, होगी बात क्लियर? होगी बात क्लियर? अब बताओ बच्चे हमारे पास वो पूछ क्या रहा है, जरा देख बच्चे वो क्या पूछ रहा है। हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस इन द प्रोसेस ए सी बी इज, ये सिर्फ हीट एब्जॉर्ब पूछ रहा है, वर्क डन भी नहीं पूछ रहा। अगर वर्क डन पूछेगा अलग है, हीट एब्जॉर्ब पूछेगा अलग है बच्चे हमारे पास, बाकी सारी चीजें अलग अलग आ जाएंगी। फटाफट बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जब मैं ए से सी की तरफ को जाऊंगा तो जो भी मैं हीट को यहां पर एब्जॉर्ब करूंगा एन मोल्स की गैस है, मेरे पास यहां पर कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर है, तो सी पी इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा टी जल्दी बता दो कितने के बराबर है? तो डेल्टा टी बच्चे टी नॉट और टू टी नॉट, तो कितने के बराबर आ जाएगा? टी नॉट, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर तो टी नॉट का। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम मैं करके देख चुका हूं बच्चे कि ये 5 बाई 2 इंटू आर इंटू टी नॉट, ये हीट एब्जॉर्ब होगी। फिर जब मैं सी से बी की तरफ को जाऊंगा, अब बताओ हीट कौन सी एब्जॉर्ब हो जाएगी बच्चे? शाबाश, बता दो जल्दी बता दो। तो हमारे पास यहाँ पर अभी हीट कौन सी एब्जॉर्ब होगी? जल्दी बोलो काके, कौन सी हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी? तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू सी सीवी डेल्टा टी, तो एन सीवी कितने के बराबर है? एफ आर बाई 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक गैस है तो कितना आ जाएगा? 3R इनटू आपके पास T नॉट। अब बच्चे चेंज इन टेम्परेचर कितने के बराबर है जल्दी बता दो? आपके पास 4T नॉट माइनस ऑफ T नॉट, तो जल्दी बता दो कितने के बराबर है? T नॉट, तो 3
एन इंटो आर, तो ये टू से टू कैंसल, सिर्फ क्या बच जाएगा बच्चे आपके पास टीम। अब जल्दी बता दो देयर फॉर हीट एब्जॉर्ब की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, जल्दी बताओ बच्चे हमारे पास जल्दी। सर 11 बाय 2 एन आर टी नो, 11 बाय 2 आर इंटो आर। लैबी क्वेश्चन हो गया सॉल्व बच्चे हमारे पास, क्वेश्चन हो गया सॉल्व बच्चे, क्या मुश्किल है इसके अंदर से। तो हमारे पास 5 बाई 2 आर इंटू टी नॉट, और बच्चे हमारे पास n को मैं अभी इग्नोर कर रहा हूँ, प्लस 3 आर इंटू आपके पास टी नॉट, तो बच्चे हमारे पास 11 आर टी नॉट अपॉन 2, और ये आंसर आ जाएगा। मेरी बात को आप अंडरस्टैंड करो, मैं आपको कोई हल्का क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ कि मैं आपको बिल्कुल हल्का क्वेश्चन करवा दिया, या मैंने ये क्वेश्चन बच्चे दिशा की बुक से बच्चे मैंने लिया, वो क्वेश्चन आकाश के बुकलेट में से, और दोनों क्वेश्चन बच्चे अगर एक जगह पे आपको मिल रहे हैं एक जैसे क्वेश्चन, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ खास बात जरूर है, कुछ ना कुछ खास बात जरूर है, ये आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। और मैं अभी आपको सारे क्वेश्चन भी नहीं करवा रहा कि मैं आपको बोलूं कि यार मैं सारे क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं तो आप इसके अंदर से देखते चलो, नहीं मैं आपको अभी सिलेक्टेड क्वेश्चन बच्चे यहाँ पे करवा रहा हूं कि कम से कम ये क्वेश्चन तो आपसे होने चाहिए बच्चे आपके पास, ये हमको यहाँ पर समझ में आ जाती है। नेक्स्ट अब क्या हमारे पास, नेक्स्ट अब हमारे पास क्या बच्चे, नेक्स्ट अब बच्चे आज हम यहाँ पर एक और चीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं जो कि बहुत बहुत हमारे पास इंपॉर्टेंट है, और वो बच्चे हमारे पास है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस, ऑफ अ गैस इन पोलोट्रॉपिक प्रोसेस, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस, ऑफ द गैस, ऑफ द गैस इन द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, इन द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, इन द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें पी वी रेस टू पावर बच्चा हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और जानबूझ के यहां पर हमारे पास अल्फा की वैल्यू बच्चे आपके पास कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है बच्चे, यहां पर अल्फा बच्चा हमारे पास पावर ऑफ आपके पास क्या हो जाएगी वॉल्यूम, और टीचर तुम्हें परेशान करने के लिए पता है क्या करेगा, जानबूझ के पी की पावर देगा। रिमेंबर आपने यहां पर इसमें वी की पावर ही लेनी है बच्चे, जो मर्जी हो जाए आपके पास, जो मर्जी हो जाए, और टीचर ऐसे प्रोसेस को चलाने वाली गैस के मोलर स्पेसिफिक हीट पूछते हैं, जो भी गैस है, अब वो गैस का अपना नेचर भी हो सकता है मोनोटॉमिक डायटॉमिक ट्रायटॉमिक। तो हमारे पास अब ध्यान से समझना, ऐसी गैसेस की जो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है, क्वेश्चन आता है ये बच्चा हमारे पास हो जाती है आर अपॉन, ध्यान से समझना, आर अपॉन मेरे पास गामा माइनस, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा, आपके पास प्लस ऑफ आर अपॉन वन माइनस ऑफ अल्फा, प्लीज इस बात को ध्यान रख लेना, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी मैं डेरिवेशन इसकी नहीं करवा सकता हूं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, इंपॉर्टेंट है याद रखना। एग्जाम्पल मैं अब आपको एग्जाम्पल देता हूं, टीचर आपको क्या क्वेश्चन पूछेगा, टीचर बोलेगा इफ पी वी का स्क्वेयर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, इफ पी वी का स्क्वेयर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है फॉर the diatomic gas, for the diatomic gas, for the diatomic gas, calculate molar specific heat, calculate molar specific heat, calculate molar specific heat, calculate the molar specific heat, calculate the molar specific heat। जल्दी से बच्चे अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि टीचर ने सिंपल सी आपको पूछना है, अगर आपको नॉलेज है तो आपके लिए दो मिनट का काम है, नहीं पता तो आप क्वेश्चन छोड़ के आ जाओ, बोल के बहुत टफ क्वेश्चन पूछा गया था। तो मोलर स्पेसिफिक हीट अब मेरे पास किसके बराबर आ जाएगी, आर, ये तो आनी आनी है, गामा, डायटोमिक के लिए गामा की वैल्यू आपके पास कितने के बराबर है, वन प्लस ऑफ टू बाई फाइव, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइव है तो 7/5, तो मेरे पास यहां पर 7/5 माइनस वन प्लस ऑफ आर अपॉन वन माइनस अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू बच्चे 2 के बराबर है, तो 1 माइनस ऑफ बच्चे हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू आर अपॉन 7 माइनस 5, एलसीएम आ जाएगा 5 ऊपर आ जाएगा प्लस ऑफ आर अपॉन नीचे माइनस 1 आ जाएगा। तो अब लास्ट पॉइंट है मेरे पास कि इसकी वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 5 आर बाई 2,
एंड माइनस ऑफ आर, तो जल्दी बता दो सी ऑफ मोलर आपके पास कितने के बराबर आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 3R/2। ये बच्चे हमारे पास क्वेश्चन है, ताकि क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे और एक जैसे क्वेश्चन नजर आएंगे, आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही करोगे पी वी की पावर अल्फा, लेकिन फिर टीचर तो टीचर है बच्चे, टीचर तो आपको परेशान करेगा, कैसे परेशान करेगा, टीचर आपको परेशान करेगा इफ पी, ध्यान से समझना, इफ द पी आपके पास यहां पर, अगर मेरे पास बच्चे पी की पावर मेरे पास यहां पर किसके बराबर है 1/3, और वी इज इक्वल टू कांस्टेंट है किसी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, कैलकुलेट मोलर स्पेसिफिक हीट, जल्दी बताओ कैसे बताओगे, कैलकुलेट मोलर स्पेसिफिक हीट और मोनोटॉमिक कैसे, मोलर स्पेसिफिक हीट निकालनी है और मेरे पास यहां पर कौन सी बच्चे आपके पास यहां पर बताना है आपने, आपके पास यहां पर जो गैस है वो गैस बच्चे हमारे पास यहां पर मोनो एटॉमिक है, जल्दी बताओ कैसे करोगे, जल्दी बताओ कैसे करोगे, क्यूब कर देंगे दोनों साइड, क्यूब कर देंगे, तो देयरफॉर इसका पहला स्टेप तो यही है कि आप पी की पावर 1 और वी क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लो जी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सी इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस 1 प्लस ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस ऑफ अल्फा, तो आर अपॉन गामा, अब गामा बच्चे हमारे पास मोनोटॉमिक के लिए 1 प्लस ऑफ 2/3 यानी कि 5/3, तो 5/3 माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ आर इंटू 1 माइनस ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू बच्चे 3, तो अब बताओ आपके पास क्या आ जाएगा 3R/2 माइनस ऑफ R/2, तो हमारे पास इसका आंसर कितने के बराबर आ जाएगा, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ये क्वेश्चन हमारे पास लिटरली बच्चे इस तरीके से होते हैं, कोई भी बच्चा इसके क्वेश्चन कर सकता है, यस कोई भी बच्चा जिसको ये बात पता हो वो ये क्वेश्चन करके दिखाएगा, वो ये क्वेश्चन टीचर को करके दिखाएगा, वो बताएगा देखो सर ये क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ गया, अब देखते हैं बच्चा हमारे पास क्या इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है, देखते हैं बच्चा हमारे पास, दो मिनट रुकेगा, मुझे ये पहले से ओपन करके रखनी चाहिए थी फाइल्स, है ना, अभी बहुत टाइम लगा रही है फाइल्स, नेक्स्ट टाइम से मैं ये फाइल ओपन करके रखूंगा। ये आपको केमिस्ट्री में बहुत हेल्प करेगा, ये लीजिए बेटा आगे देखो क्वेश्चन, ठीक है, अब ध्यान से देखना ये वाले क्वेश्चन, यहां पर देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं, दी स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस इन द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस, यहां पर इसने अल्फा को क्या ले लिया बच्चे आपके पास, एन ले लिया, यहां पर बच्चे हमारे पास इसने अल्फा को क्या ले लिया बच्चे एन, तो पी वी की पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो हमारे पास इसके लिए कौन सा बच्चे आपके पास, और इसने एक और चीज कर दी, यहां पर बच्चे हमारे पास इसके लिए थर्ड ऑप्शन बनेगा, तो आप बोलोगे सर वहां तो प्लस आ रहा था, तो वहां पर नीचे 1 - n भी तो आ रहा था, तो इसने क्या कर दिया बड़ी चलाकी से आर अपॉन गामा माइनस 1 प्लस ऑफ 1/(1 - n) में से नेगेटिव साइन बाहर निकाल दिया चलाकी से, और गामा माइनस 1, और यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा माइनस ऑफ आर एन माइनस 1 पी वी की पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो थर्ड आपके पास ऑप्शन आ जाएगी, यहां पर देखो बच्चे फॉर अ सर्टेन प्रोसेस द प्रेशर ऑफ डायटोमिक गैस वेरीज अकॉर्डिंग टू द रिलेशन पी इज इक्वल टू ए वी का स्क्वेयर, यानी कि पी V-2 is equal to A, ये आ गया, what is the molar heat capacity of the gas for this process, लो जी अब क्वेश्चन देखो वो कैसे पूछ रहा, घुमा दिया ना, तो यहां पर घुमा दिया P is equal to AV square कर दिया, तो मोलर हीट कैपेसिटी मुझे इसकी बतानी है, तो C is equal to मेरे पास R upon gamma minus 1 एंड प्लस ऑफ आर इंटू मेरे पास यहां पर कितना आ जाएगा 1 - n, n की वैल्यू यहां पर किसके बराबर है माइनस ऑफ 2, तो और साथ में गैस कौन सी है बच्चे डायटोमिक है, डायटोमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू कितने के बराबर होती है 7/5, ये बच्चा हमारे पास कितनी आ गई 7/5, तो 7/5 माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ आर इंटू 1 - n, n की वैल्यू बच्चे मेरे पास माइनस ऑफ 2, तो अब 5R/2 आपके पास यहाँ पे 2 एंड प्लस ऑफ R/3, तो ये बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा 17R/6, तो ये बच्चा हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है, ये क्वेश्चन आकाश का,
ये क्वेश्चन बच्चे हमारे पास आकाश इंस्टीट्यूट के बच्चे मॉड्यूल से है, तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास हो जाएंगे। मतलब हम कुल मिलाकर सारे क्वेश्चन अब लगा सकते हैं। मतलब अगर तुम ध्यान से देखो, ऐसा ही इसने क्वेश्चन यहाँ पर वो दे रखा। अब देखो बच्चे, इसके अंदर ये पी वी से कैसे आपके पास वेरी कर रहा है बच्चे बताओ। पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने सॉल्व किया, और मुझे इसके अंदर क्या बतानी है, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस बतानी है। मुझे यहां पर इसकी क्या बतानी है, मोलर स्पेसिफिक हीट बतानी है। यहां पर पी किसके प्रोपोर्शनल है, वी स्क्वायर के। वही सेम क्वेश्चन ये नीचे वाला, और इसका भी आंसर 17 R/6 है, तो इसका भी आंसर 17 R/6 है। क्वेश्चन लिमिटेड है, लेकिन आपको वो क्वेश्चन, और आप देखें अलग अलग जगहों पर ये क्वेश्चन क्या हो रहे हैं बच्चे, रिपीट हो रहे हैं। ये क्वेश्चन बच्चे हमारे पास रिपीट हो रहे हैं, तो इस वजह से इन क्वेश्चंस के ऊपर आपने बहुत बहुत ध्यान देना बच्चे। ध्यान दोगे तो आपके क्वेश्चंस बच्चे लगने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी चीजें बच्चे अब हम नेक्स्ट टाइम